कुछ लोग इसको जहरमोरा कह के ले जाते हैं, वो कि जहरमोरा भी ज़्यादा होगी। ये मैंने कटिंग वाला भी बनाया, इसके एक साइड से ओवर रखा है और दूसरा से इसके, और ये जनाब आपका बक्कल बना हुआ है बेल्ट का, ये बाकायदे से बेल्ट डाल के और ये बक्कल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद आसिफ इन दखाब नगीना। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं काफ़ी दिन से गायब हो गया था बीच में। जाहिर सी बात है, माइनिंग के लिए जाना और उसके बाद माइनिंग में पता है तीन तीन चार चार दिन लग जाते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो जेडाइट के ऊपर है, और नए आने वाले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग नए देखने वाले हैं, तो मेरी पुरानी वीडियो को देखिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी चीज़ों को पसंद भी करते हैं, बल्कि मुझे फ़ोन और कॉल करके बताते हैं क्योंकि आपकी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं। मेरी पुरानी जो सब्सक्राइबर हैं बाकायदा उनसे लिंक अंदर कॉन्टेक्ट अंदर है। तो नाज़रीन मैं आज आपको बता रहा हूँ जेडाइट बताइए, और जेड जो पत्थर है ये दुनिया के अंदर हदील अजीज और बहुत मकबूल पत्थर है। खास करके इसको जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं चाइनीज़, इसको लाइक करते हैं चाइनीज़, इसके रोलर्स बनाते हैं चाइनीज़, इसके बेड बनाते हैं, उसके ऊपर इंसानों को लिटा के उसके बाद उसका मसाज करवाते हैं। उसकी हीलिंग पावर जो है उनकी बॉडी से जो अमूमन उनका जो कमर प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरी और डिजीज होती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर बुद्धिस का इस्तेमाल भी इसका के अंदर बहुत है। ये देखें जेड के मेरे पास बड़े पीस भी हैं, ये आप पेंडेंट की सूरत में डालिए, हीलिंग के लिए रख सकते हैं। चकोर भी हैं, गोल भी हैं, बेजवी भी हैं, और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इसकी मैंने रिंग्स भी जेड आईटी बनाई हैं, ग्रीन कलर की जैसी जेड की रिंग्स बनाई हुई हैं। अच्छा, बुधा इसको बहुत लाइक करते हैं। इसके अंदर आपको देखें बुधा की तस्वीर नज़र आएगी, ये देखें बुधा जो है, ये देखें इसके अंदर इस तरह से बनाया है कि अंदर बुधा की तस्वीर मौजूद है, और ये बुधा को जो है बाकायदा ये देखें ये मूव कर रहा बुधा इनका इस तरह से बनाया, देखें पूरा बुधा मूव कर रहा है। ये आज तक किसी ने आपको दिखाया नहीं होगा, नहीं समझाया होगा। और इसको आप रॉकेट की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्लिम के लिए मैंने ये किया कि इसके अंदर से जो बुधा थे वो निकाल दिए, ताकि नॉर्मली तमाम मुस्लिम इसको अपने इस्तेमाल में ले सकें। ये देखिए मैंने बाकायदा इनको तोड़ा है, गिलास के अंदर बुधा लगा था उसको निकाल दिया। ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अपने पास रखें, ये देखें इसके अंदर बुधा मौजूद है। बुद्धिस्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखें ये इसके अंदर बुधा मौजूद है, ये बुधा वाले मौजूद हैं ये। उसके अलावा भी इन लोग ये कुछ और दूसरी चीज़ें भी इसमें बना के डाल देते हैं, कि लेकिन मुझे तो चूँकि ज़ाहिर है मेरा कल्चर, हम तो मुस्लिम हैं और उस कल्चर के लिहाज से देखें आप, ये इसके अंदर मूव कर रहा है बाकायदा ना। तो इस चीज़ को आप देखिए, इसके अंदर जो बुधा है वो सोने का है, दो में सोने का, बाकी जो इसने स्टील और दूसरी चीज़ों को कॉपर वगैरह के। तो ये देखें सारे जेडाइट के अंदर काफ़ी कलर पाए जाते हैं, सफ़ेद भी होगा उसमें, और ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन होगा, तकरीबन इसके अंदर 20-25 कलर होते हैं। सब साथ इस्तेमाल होने वाले जो कलर थे वो मैंने आपके सामने रख देंगे। जेड का कलर जो, इसके अलावा भी मैं आपको दिखाऊँ कौन कौन से हैं। ये देखिए ये भी जेडाइट के कलर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, बाद लोग इसको जहरमोरा भी कहते हैं, आसिफ साहब ये जहरमोरा मुझे दे दिए, तो कुछ लोग इसको जहरमोरा कह के ले जाते हैं। गो के जहरमोरा भी सेम कलर में पाया जाता है, लेकिन वो जहरमोरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जहरमोरा किस तरीके का होता है। जेडाइट के बेपना खवास हैं, ये हीलिंग के अंदर और बीमारियों के अंदर, डिजीज़ के अंदर बेपना इसका इस्तेमाल होता है। इसका कलर येलोइश कलर में पाया जाता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखें ये इसके अंदर चकोर मैंने बनाए हुए हैं, ये लॉकेट के अंदर भी बना सकते हैं, ब्रेसलेट बनाए, अंगूठी बनाई है उसके लिए भी, और इसका डार्क कलर जो जेड का पाया जाता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अमूमन कलर के अंदर, कलर स्टोन की के अंदर कलर होना ज़रूरी है बस, तो वो कलर हीलिंग के लिए। ये देखें मैं आज आपको कलर देखें, जेड का हसीन ग्रीन कलर जो बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम मिलने को, जितना ज़्यादा ग्रीन और डार्क कलर होगा उतने ही हसीन और खूबसूरत माना जाएगा और उतनी उसकी वर्थ ज़्यादा होगी। ये मैंने कटिंग वाला भी बनाया, इसके एक साइड से ओवर रखा है और दूसरी तरफ से इसके फैसेटिंग कर दिएगी। तो ये मैंने आपके सामने ग्रीन कलर में रख दिए हैं, और उसके अलावा जेडाइट के कलर कुछ ये भी हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है, ये भी जेड, ये दो अलग कलर हैं, चार पाँच, ये अलग कलर का जेड है, ये अलग है, ये अलग जेडाइट मौजूद है, ये सारे जेडाइट हैं। और मैं जो जहर मुरा कह के बेचता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। असल में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें अब ये भी इन्होंने बुधा ने बनाया हुआ था, इसकी पूरी बाकायदा कटिंग करके, और पता ही क्या चीज़ आपको हैरान कर देने वाली है, जो इससे पहले आपने नहीं देखी हुई, बड़ा एंटीक पीस है और ये खुदाई से बरामद हुआ था, और ये जनाब आपका बक्कल बना हुआ है बेल्ट का,
ये बाकायदे इसमें बेल्ट डाल के और ये बक्कल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खुदाई से किया तो इसमें मट्टी वगैरह सब लगी हुई है। ये मुझे खुदाई से ही मिला था, कर माइनिंग रहा था और इत्तेफाक के बाद नॉर्दर्न एरिया के अंदर से दो पीस मुझे खुदाई से मिले और देखिए इसके पीछे बेल्ट बने हुए और ये इधर भी इसका कोई मूव वगैरह बना हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ें भी मेरे पास मुझे मिल जाती हैं कि तो नाज़रीन आज का जो मेरा मौजूद था वो जेट के ऊपर था। जेट के खूबसूरत कलर मैंने आपको दिखा दिए हैं, इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ ज़रा से और दिखा दूँ, इसके अंदर देखिए इस तरह से डॉट भी पाए जाते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत कलर है, वाह ज़बरदस्त हसीन नफीस और खूबसूरत है। उम्मीद है कि मेरी आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी, शॉर्ट वीडियो है लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हर चीज़ में आपको ऐसी बताऊंगा जो इससे पहले शायद ही आपको चैनलों पे मिली होगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और रेड बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, उसके बराबर में घंटी है उसको भी हाथ से पुश कर दें। मोहम्मद आसिफ आपसे मुखातिब थे, अल्लाह हाफिज़।